नुक्कड़ टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्सएप शीघ्र ही यूजर्स को नए फीचर्स उपलब्ध कराने जा रहा है। क्या है ये फीचर्स? यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट। जब से सरकार द्वारा यूपीआई की घोषणा की गई है, तब से बड़े बड़े दिग्गजों जैसे सैमसंग, गूगल, व्हाट्सएप, जोमैटो आदि अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ इसके उपयोग की रेस में कूद पड़े हैं। व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में भारत में अपनी यूपीआई आधारित भुगतान सुविधा का परीक्षण किया है। iOS और एंड्रॉयड पर सिलेक्टेड व्हाट्सएप बीटा उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध ये सुविधा उपयोगकर्ताओं को भारत सरकार के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड का उपयोग करके पैसे भेजने और प्राप्त करने की सहूलियत प्रदान करेगी। यह सहूलियत iOS के लिए व्हाट्सएप एडिशन 2.18.21 और एंड्रॉइड के लिए एडिशन 2.18.41 पर उपलब्ध होगी। कैसे काम करेगा ये फीचर? ये फीचर अटैचमेंट मेन्यू के माध्यम से चैट विंडो के जरिए एक्सेस किया जाता है। ये ऑप्शन गैलरी, वीडियो, डॉक्यूमेंट के साथ साथ उपलब्ध है। पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करते ही एक डॉक्यूमेंट डिस्क्लेमर पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करते ही एक डिस्क्लेमर विंडो सामने आ जाती है, जिसके बाद बैंक लिस्ट सामने आ जाती है। इसके बाद आप अपने पसंदीदा बैंक अकाउंट को चुनकर यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने अभी तक पेमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया है तो आपसे पिन जनरेट करने को कहा जाएगा। यदि आपके पास यूपीआई अकाउंट नहीं है तो आपको यूपीआई ऐप या संबंधित बैंक की वेबसाइट ऐप के द्वारा यूपीआई अकाउंट बनाना होगा। इस व्यवस्था के उपयोग करने के लिए बेहद जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास व्हाट्सएप पेमेंट फीचर्स उपलब्ध हो। ग्रुप कॉलिंग सुविधा, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नए अपडेट में शीघ्र ही ग्रुप कॉलिंग सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है। यह सुविधा सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन के साथ देखी गई। जाहिर है कि गूगल के उपयोगकर्ता सबसे पहले इसका लाभ ले सकेंगे। वेब इन्फो के अनुसार नए एंड्रॉइड वर्जन 2.18.39 के व्हाट्सएप बेटा में सबसे पहले ये सुविधा उपलब्ध होगी। व्हाट्सएप बेटा इन्फो के अनुसार व्हाट्सएप के एंड्रॉइड यूजर शीघ्र ही वीडियो चैट में 3 अन्य लोगों के साथ जोड़ सकेंगे, मतलब एक साथ 4 लोग मिलकर ग्रुप कॉलिंग कर सकेंगे।